ठीक है अच्छा इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है वो है आपके पास इलेक्ट्रो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रो का मतलब है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है? कर है, कर है तो किसका रिएक्शन होता है एरोक्टरिस्टिक रिएक्शन जैसे हम तो क्या रिएक्शन है इसका रिएक्शन हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराएंगे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो आप लोग तो क्या करेगा बेंजिन खुद न्यूक्लियोफिलिक होता है जानते हैं आप लोग न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे कैसे होते हैं वो सब न्यूक्लियो फ्लिक होता है तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा इसमें और क्या हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस अटैच हो जाएगा अच्छा अब ऐसा मत समझना कि एडिशन रिएक्शन है दिखने में आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो जाके ऐड हो गया ऐड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच था इस एच को रिप्लेस करके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया है समझ रहे हो ना तो क्या बोलेंगे एक इलेक्ट्रोफाइल मतलब एच को रिप्लेस करके यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलेट्यूशन रिएक्शन ठीक है ना समझ में आ गया रिएक्शन अच्छा मैकेनिज्म देखते हैं से जल्दी से बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है नहीं है ज़्यादा नहीं कि आपके पास क्या है बेंजीन है इसमें आपने रिएक्शन कराया इलेक्ट्रोफाइल का तो क्या करेगा आपको पता है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होगा इसमें ये जो बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए है कि नहीं और क्या बन जाएगा आपका तो देखो तो एक बॉन्ड डोनेट कर दिया बाकी वो बॉन्ड तो तो एज इट इज है क्या हो गया एज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है पे पहले से इलेक्ट्रोफाइल और अटैच हो गया तो जब बॉन्ड डोनेट कर दोगे तो एक कार्बन पर प्लस आ जाएगा बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ इस स्टेप में है ना जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों वो क्या किया आपने इको डोनेट कर दिए बॉन्ड बना लिया वहां पे पेड बॉन्ड तो जो बेंजीन था वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा आप आपको पता है पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो इसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो तो देखो प्लस चार्ज यहाँ भी चला जाएगा इस तरह से रेजोनेंस करता रहेगा ये है ना तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो रेजोनेंस होता रहेगा इसमें यहाँ भी जा सकता है पॉजिटिव चार्ज तो इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते रहेंगे रेजोनेंस करता रहेगा ठीक है तो ये क्या हो गया इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊँ इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप हाइब्रिड बना सकते हो तो कैसा बनेगा हाइब्रिड बताओ क्या बना सकते हो कार्बन से एच इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक डीलोकलाइज कर रहा है इस टाइप का हाइब्रिड बनेगा है ना तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच होने के बाद इस टाइप का एक आपका इंटरमीडिएट बन जाता है है ना इस इंटरमीडिएट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है है ना इसको क्या क्या बोलते हैं वो आप देखो इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या बना ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ना पहला नहीं या फिर इसी को बोलते हैं आयन ए आर ई एन आई यूएम आयन भी बोलते हैं इसको ठीक है या इसी को बोलते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट वीलैंड इंटरमीडिएट ये सब इसी के नेम है और इन सबको याद रखना है आपको सबका नेम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे हम जनरली तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे इसे है ना जब क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे आगे पढ़ेंगे तो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है है ना और भी नेम क्या है इसके आर नियम आइन भी बोलते हैं वील एंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं है ना तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया सबसे पहले और इस तरह से कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म हो गया अब क्या होगा अब इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था उस रिएजेंट में वो बेस की तरह एक्ट करेगा है ना और क्या करेगा यहाँ से इस एच प्लस को रिमूव कर लेगा ठीक है

नहीं है ना हाँ बिल्कुल नहीं है सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका नॉन एरोमेटिक होता है ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो कैसा है नॉन एरोमेटिक टाइप का इंटरमीडिएट है ठीक है तो इस तरह से आपका टू स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है अच्छा बताओ इसमें से आरडीएस कौन सा है बोलो इन दो स्टेप में से फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, है कौन सा है फर्स्ट वाला होगा है ना फर्स्ट वाला इसमें आरडीएस स्टेप है क्यों सबसे टिपिकल स्टेप तो यही है आप एरोमेटिक कंपाउंड को एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो भी वाले में कन्वर्ट कर रहे हो तो सबसे होगी सबसे है ना सबसे होगा, होगा वाला. तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन आपका आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो जो भी ओवरऑल रेट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है जितना स्टेबल आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उतना जल्दी ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा बोलो बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो चलो देख लो जल्दी से इतना क्या डाउट है प्रीति को अरे एरोमेटिक के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना है कि नहीं एरोमेटिक किसी कंपाउंड के लिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में पूरा कॉन्जुगेशन ही नहीं है एक कार्बन से एच और ई है है ना बाकी में यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो उससे क्या मतलब पूरा रेजोनेंस ही नहीं है कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो एरोमेटिक बोल ही नहीं सकते इसे हम ठीक है बाइलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है उसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है ठीक है चलो लिखो जल्दी हो गया दिख लिया सब बोलो कहीं कोई डाउट तो बताओ डिशन समझ में आ गया एक काम करते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना साथ साथ के साथ में है ना चलो इसको ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर कैसा बनेगा बताओ चलो अब तो खुद बना सकते हो बताओ जल्दी से बताओ किस तरह का बोलो तो क्या होगा शाम आपके परेंगे परेंगे। 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 हाँ, और वैसी बात है है ना क्या होगा एक आपके पास मान लो या बेंजीन डेरिवेटिव कोई भी हो सकता है सबसे पहले ही सबसे ज्यादा आर डी एस सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप में ही है तो यहाँ पे आपका क्या बन गया यहाँ पे बन गया आपके पास एक इंटरमीडिएट पहले बेंजीन था इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे आपका बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स हम शो कर देते हैं एच और ये e अटैच हो गया ठीक है इसके बाद क्या होगा अब यहाँ से वापिस से एच रिमूव होगा और इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा मतलब अटैच हो जाएगा तो बेंजीन से आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया बस हो गया रिएक्शन खत्म ट्विटर है बोलो है ना सिंपल तो रेट बताओ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा रेट बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टू किसके बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल के हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो भी बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव है कोई भी हो बेंजीन है या बेंजी कोई ग्रुप अटैच है इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ना आप आ जाओ अपने क्वेश्चन करने पे और कंसंट्रेशन तो हो गया कौन-कौन सी स्पीशी पार्टिसिपेट कर रही है एक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है और एक बेंजीन डेरिवेटिव कर रहा है

हाँ जी बोलिए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हम्म हम्म क्या कह रहे हो वॉइस तुम्हारा ब्रेक कर गया बोलो क्या कहना चाहते हो सर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्या रिएक्टेंट से हाँ बिल्कुल तभी तो सब हो रहा है अगर मान लो अनस्टेबल होगा तो सब्सटीट्यूशन क्यों हो पाएगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए है ना एच से तभी तो सब्सिट्यूट कर पाएगा उसको वरना तो क्यों करेगा सब्सिट्यूशन है कि नहीं चलिए लिखती जल्दी से कंप्लीट okay, बोलो क्वेश्चन स्टार्ट करें चलिए तो बनाइए क्वेश्चन क्वेश्चन वही है क्या पता करना है आपको राइट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना

चलिए तो क्वेश्चन नंबर वन रिएक्ट्रिविटी ऑर्डर बताना है आपको तो एक है आपके पास नॉर्मल बेंजीन एक है नाइट्रोबेन और तीसरा है आपके पास फिन बताओ रेट ऑफ रियक्शन बताओ जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा थ्री वन टू हाँ सबसे ज्यादा थ्री देन वन देन टू समझ में आ गया क्यों न्यूक्लियर के बेसिस पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा है कि नहीं ओ एच ग्रुप डोनेटिंग वाला ग्रुप है तो सबसे ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा बेंजी में एनओ टू ग्रुप माइनस एम वाला ग्रुप है तो विद ग्रुप है सबसे कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बस वही क्वेश्चन है आपके पास है ना कर सकते हो ना सेम क्वेश्चन चलिए तो एक क्वेश्चन और बताओ ओ एच बेंजिन से एन एच टू ओ माइनस

ठीक है तो ये ऑर्डर आ जाएगा बोलो कर सकते हो कोई सब वाले चलो ये बताओ तो हम्म बोलिए ये।, ये तो याद हो गया होगा तो? वन टू तो, थ्री फोर बिलकुल बिल्कुल है ना तो वन टू तो थ्री फोर

है कि नहीं आ, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये करता है एनएच टू एन एच सी सी एच थ्री सीओ एन एच सी एच थ्री बोलो क्या ऑर्डर आएगा बताओ

बोलो आंसर आएगा बताओ थ्री टू वन थ्री टू वन अरे कैसी बातें कर रहे हो वन टू थ्री हाँ हाँ बिल्कुल है ना haan, sir, जितने ज़्यादा बिट्टों ग्रुप अटैच होंगे उतना तो कम होगा ना रेट ज़्यादा क्यों होगा चलो देखो इतना आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं पहले कंप्लीट आगे चलाए चलो ठीक है तो ये बताओ चलो एक ऑक्सी वाला भी ले लेते हैं सेम एक जैसा एक क्वेश्चन भी ओ एच है है ना ओ सी ओ ऑर्डर हो जाएगा बताओ ये तो थोड़ा है ना ठीक है चलो अच्छा मेरा सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना लोगे ठीक है तो एक काम करते हैं बोलो इसमें क्या ऑर्डर होगा बताओ 21 21 हम्म कौन सा 321 नहीं सबसे ज्यादा रीट किसमें होगा सबसे ज्यादा होगा 1 2 3 अरे दोनों प्लस एम वाले ग्रुप अटैच हैं बेंजीन से डायरेक्ट इस सेकंड वाले में एक प्लस एम और एक माइनस एम वाला ग्रुप अटैच है यहां तो दोनों ही माइनस एम वाले ग्रुप अटैच हैं बेंजीन से तो रीट सबसे कम नहीं हो जाएगा देखो क्या करेंगे ठीक है ना चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं देखते हैं कितना जियो सी याद है आपको अभी तक बोलो क्या ध्यान से एक बार सोच लो रेट वाले में वन थ्री टू वन थ्री सर थ्री टू सबसे ज्यादा कौन सा होगा एक बताओ सबसे ज्यादा किसका रेट होगा वन थर्ड थर्ड नहीं टू का होगा सबसे ज्यादा टू का होगा सबसे ज्यादा टू देन वन और सबसे कम थ्री है ना क्यों क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन पे

तो सेकंड वाले में देखो सेकंड वाले में ये मतलब क्या करा है आपने अटैच कर रखा है दोनों रिंग को जोड़ रखा है तो ये रिंग आपस में एक ही प्लेन में रहेंगे तो हमेशा प्लस ज्यादा स्टेबल होगा है ना थ्री वाले में तो कभी भी प्लेन में नहीं आएगा वो क्योंकि ऑर्थो तो पोजिशन पर बल्कि है आउट ऑफ तो द प्लेन रहेगा वो तो कभी प्लेन में नहीं आएगा तो कभी प्लस एम की तरक्ट कर ही नहीं पाएगा रेजोने थर्ड वाले में बीच में आपका फर्स्ट वाला आ गया दोनों इंटरमीडिएट में है ना वो प्लेन में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है वो रोटेट करता रहेगा थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम है सेकंड वाला हमेशा प्लेन में रहेगा तो हमेशा प्लस की करेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा बताओ बात समझ में बोलो समझ है ना ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और बताओ क्वेश्चन है बेंजीन और है. किसका रेट ज्यादा होगा बोलो सेकंड वाले का One. नहीं फर्स्ट वाले का piridine का रेट बहुत कम होता है याद रखना पायरेडीन ना कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि पायरेडीन का रेट नाइट्रोबेंजीन से भी कम होता है मतलब एक एनोटू ग्रुप लगा दो ना बेंजीन पे उससे भी रेट कम होता है पायरेडीन का

चलो देख लो जल्दी से नाइन्थ में देखो ऐसा है पारिडीन में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो अनस्टेबल बनता है वैसे आगे जाके बनाएंगे भी इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स तब देख लेना आप लोग पर क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है तो नाइट्रोजन एक तरह से विड्रोइंग ग्रुप की तरह काम करता है है ना ऐसे समझ सकते हो आप अभी के लिए तो ठीक है तो रेट क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा है ना हो गया बताओ बोलो सर दिया हाँ जी बोलिए वाला रिपीट कर ना। एट वाले में ऐसा है कि देखो ये लिख लिया पहले बताओ हो गया सर चलो ठीक है मैं लक्ष्य बताता हूँ इसको देखो ऐसा है आपके पास बेनजीन है एक एक और बेंजीन है

दोनों की और तो पोजिशन पर तो बल्कि बल्कि ग्रुप लगा दू तो प्लेन में रह पाएगा क्या है? नहीं रहेगा ना प्लेन में आउट ऑफ द तो तो प्लेन चला जाएगा ना तो आउट ऑफ तो द प्लेन चला जाएगा तो तो इसका प्लस तो खत्म हो गया ना बोलो प्लस एन तो खत्म हो गया डोनेटिंग वाला ग्रुप तो रहा ही नहीं है है कि नहीं और एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसमें आपने इन दोनों को बांध के रखा हुआ है ऐसे मैंने इन दोनों को बांध दिया तो अब तो ये हमेशा प्लेन में ही रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इसको बताओ अब तो घूम ही नहीं सकते एक ही प्लेन में रहना पड़ेगा इन्हें तो हमेशा किसकी तरह करेगा प्लस सेम की तरह करेगा ज्यादा ज्यादा डोनेट करेगा तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा इस वाले का हो जाएगा बोलो क्लियर है सर ठीक है चलिए तो टाइम भी हो गया आप लोगों का आज के लिए इतना ही करते हैं है ना